और अब मुझे दिख रहा है अपने सामने कंचनजंगा वाटरफॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर सुपर राइडर शिवम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। सो आपने कल का व्लॉग देखा होगा, यू नो कि आई एम इन दारपा, मतलब पेलिंग से 7 किलोमीटर नीचे जगह है दारपा, और हम लोग कल रात में यहाँ पे रुके थे। एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी यू नो कि आई एम ऑन अ राइड टू सिक्किम। सिक्किम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी हम लोग, तो इससे पीछे के भी व्लॉग्स बहुत सारे आ चुके हैं, डू चेक दैट आउट। तो कल रात को हम दारपा इसीलिए आए, लोग ज़्यादातर पेलिंग जाते हैं क्योंकि पेलिंग में पानी नहीं था कहीं पर भी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो हमें रास्ते में लोग मिले कुछ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे, और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से पता किया, तो यहाँ पर जनरेटर था, इलेक्ट्रिसिटी थी, वाटर भी था। तो हम लोग कल रात में यहाँ पर आ गए। तो मेरे पीछे आपको दिख रही होगी प्रॉपर्टी कितनी शानदार है, तो एक बार इस प्रॉपर्टी के ड्रोन व्यूज देखो। तो अब ड्रोन व्यू के बाद ये देखो हमारा रूम। सो बहुत ही अच्छा हमें स्टे मिल गया। बोलते हैं ना, ऊपर वाला सब कुछ अच्छा अच्छा करता है। तो अभी हम लोगों ने सामान पैक कर लिया है, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं लगभग, और ये है हमारे रूम से व्यू। सो यहाँ पे पेड़ इतना मस्त है, लैवेंडर या पता नहीं चेरी ब्लॉसम क्या है, मुझे लेकिन बहुत सही लग रहा है। सो अब चेकआउट कर रहे हैं इस रूम से, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगे, केचोपरी लेक है कोई वहाँ पर, और है एक गांव जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है सिक्किम के लिए। तो ये सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा उस गांव में पहुँच कर। अपना सामान लोड कर रहे हैं, और ये अपने मनी भाई, ब्रेकफास्ट करवाया इन्होंने हमें सुबह, बहुत अच्छा, और बहुत दिन बाद आलू पराठे खाने को मिले। और इनकी फिजिक देख लो भाई, एक्सरसाइज आप ऐसे कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना रेगुलर काम करके ऐसे करो, ये देखो भाई। तो इसको बोलते हैं नेचुरल फिजिक, वो भी बेस्ट। तो फाइनली निकल रहे हैं अब दराप से अपने, मैं नाम दिखाता आपको, तो ये है चेरी विलेज रिजॉर्ट। तो यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है नीचे, चेरी विलेज रिजॉर्ट एंड हॉलीडेज। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, बहुत अच्छा स्टे रहा हमारा, और बहुत ही, मतलब बोलते ना, कोई आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था इसके बारे में, लोकल्स ने बताया तो हम आ गए। और अभी जा रहे हैं हम लोग एक अनएक्सप्लोर्ड लेक, केचोपरी। स्पेलिंग मतलब मुझे प्रोनंसिएशन ठीक से नहीं पता, कहीं नेट पे लिखा केचोपरी, को लोग केचोपरी बोल रहे हैं। सो वहाँ जाके पूछते हैं लोगों से कि एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको। और यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर है, तो हमें 25 मिनट आधा घंटा लगेगा। अभी टाइम हो रहा है 12:55, मतलब ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ आने पर नहाना पड़ता है। क्या नाम है इस वाटरफॉल का? रिम्बी। रिम्बी, तो ऐसे रोड पे अच्छा है यार ये रिम्बी वाटरफॉल, देखने से भी नहाना पड़ता है। अभी पानी कम है तो चलो आप क्यों खड़ो, चलो साथ में नहा लिया। हाँ हम लोग अभी घर से नहा के आए, आते टाइम में नहाएगा, ठीक है। चलो भैया, हम लोग दिल्ली से। हाँ हाँ दिल्ली से, पीछे नंबर देखो। नहीं, चलो बाय। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अब यहाँ अच्छा लग रहा है, हवा आ रही है। हाँ नीचे गर्मी थी बहुत,
हाँ यहाँ पे मजा आ रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं केचुपेरी लेक। हाँ यही है, गेट तो अच्छा बना रखा है, एंट्रेंस गेट। तो ये हमारी टिकट है और यहाँ पे देखो केचुपेरी लिखा है, तो हर जगह अलग अलग स्पेलिंग लिखी है और यहीं सामने लिखा हुआ है वेलकम टू केचुपेरी लेक। तो स्पेलिंग यहाँ पे अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग होगी। हम लोग जा रहे हैं, बाइक लगा दी और यहाँ से 5 मिनट वॉकिंग है ऐसा बताया हमें, तो चलते हैं देखते हैं कैसी है केचुपेरी लेक। तो 4-5 मिनट की वॉक के बाद फाइनली पहुंच गए केचुपेरी लेक और अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, फ्लैग्स इतने सारे हैं, सो हैव अ लुक एट इट। तो ये सामने है लेक, तो बढ़िया लग रही है लेक, बिल्कुल ग्रीनरी के बीच में। आपको दिखाते हैं इस लेक का बढ़िया सा एक व्यू और हम भी चलते हैं आगे, व्यू पॉइंट है और केव भी है, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। और ऊपर है व्यू पॉइंट और केव का रास्ता, सो चलते हैं ऊपर देखते हैं कितनी। ये रास्ता कितना ऊपर और भैया? हाफ और किसने तपस्या की? अच्छा तो केव उनके जिन्होंने तपस्या किया। और भाई बैंड बज रही है, खड़ी चढ़ाई एकदम। तो व्यू पॉइंट अभी और ऊपर है इधर, लेकिन केव में आ गए हम लोग, गुरु रिम्पोचे केव। तो चलते हैं केव के अंदर। तो ये लिखा गुरु रिम्पोचे केव और देखो कैसे चढ़ने का रास्ता है, पूरी एक बैम्बू सी ऐसे बना रखा है, ऊपर लगा रखी है और ऐसे ऊपर चढ़ना है। हाँ वो कह रहे हैं ऊपर मूर्ति है, आता हूँ मैं। तो अभी इस केव में बैठे हुए बहुत देर से मेडिटेशन यहाँ पर करी थी गुरु रिम्पोचे ने, तो सोचा कि हम भी थोड़ी देर बैठ के थोड़ा सोचें अपने बारे में, अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठंडा है बहुत, ये केव शांति है और चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो अब दिखाता हूँ आपको कैसे यहाँ पर मूर्ति है, एक वहाँ पर ओपनिंग है और एक ये पीछे। तो एक्चुअल जैसे केव, मैंने जैसी केव्स देखी है या सुना है तो पूरी जैसे बंद हुई है चट्टानों के अंदर कहीं, ये केव है ऊपर से 3-4 पत्थर अटके हुए हैं इस पे, ये देखो अलग अलग पत्थर। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सुकून मिल रहा है। बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी लग रही है, जैकेट उतर गई, पसीने आ गए, लेकिन अभी व्यू पॉइंट भी जाना है। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग व्यू पॉइंट पर और ऐसा बना हुआ है। ये पानी की बोतल, नींबू पानी दे दो। तो दिख गया उसको। तो व्यू पॉइंट से नज़ारा आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन प्यास लग गई यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा। पानी की बोतल नहीं थी, कुछ नहीं था, नींबू पानी है, जलजीरे जैसा टेस्ट है, बढ़िया, बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है इस टाइम पर, क्योंकि ट्रैक करके यार बहुत ऊपर है हम, पसीने से आपको दिख रहा होगा ये चीज़। आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू, इस कैमरा से नहीं, जो मेरे पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी उससे।
तो कमेंट डाउन एंड बताओ कैसा लगा ड्रोन शॉट, कैसी लगी है जगह। धूप है बहुत तेज यहाँ पर। व्यू पॉइंट हमने देख लिया, बहुत बढ़िया था, आपने देखा हमसे भी अच्छा ड्रोन शॉट। अब चलते हैं नीचे, नीचे उतरने में लगेगी हमारी, क्योंकि ऊपर चढ़ना चलो यार सांस फूलती है, लेकिन नीचे उतरने में बैलेंस करना पड़ता है। तो हम लोग आ गए केचुपड़ी लेक से वापस, यहाँ अपनी बाइक्स खड़ी है और यहाँ हम खा रहे हैं मोमोज। तो यहाँ पे मोमोज ही मिल रहे हैं हर जगह, डेली हम लोग एक बार तो मोमोज खा ही लेते हैं। यार एक बार हो जाता है, जाते हम पहले पूछते हैं पराठा है। आज सुबह पराठे अच्छे मिल गए थे लेकिन। सो इट्स 4 o'clock, बहुत ज्यादा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, और इसीलिए किया क्योंकि बहुत टाइम है यार हमारे पास आज का, हमारा मतलब बाइक चलाने का काम बहुत कम है, मतलब कितना टोटल मेरे हिसाब से 40-45 किलोमीटर। और आज हम निकल चुके हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन, जहां हम रुकने वाले हैं और आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, योक्सुम विलेज। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। तो अब ये गाना चढ़ा हुआ है मेरे दिमाग में, क्योंकि कल एक रील डाली है इंस्टाग्राम पर इसी गाने पर, तो देख सकते हो जाके, मुझे तो बहुत मज़ा आता है भाई, कितनी बार देख चुका हूँ अभी तक। तो 15 किलोमीटर हम वापस आए उसी रास्ते पर, और अब यहाँ से जाना है हमें 19 किलोमीटर और आगे युक्सोम के लिए। तो युक्सोम लास्ट विलेज है इधर वेस्ट सिक्किम की तरफ, और जो उसकी डिटेल्स है वो आपको वहाँ पर पहुँच के बताऊँगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और बहुत से लोगों को नहीं पता है। मतलब वेस्ट सिक्किम मुझे ऐसा लगा यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आता, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट था नॉर्थ में और नथुला वगैरह ईस्ट में थोड़ा, लेकिन भाई इस तरफ तो बिल्कुल नहीं है। तो युक्सुम है बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, चलते हैं युक्सुम और बताते हैं आपको इतना खास क्या है वहाँ पर। यहाँ पर देखो यार बिल्कुल वो तेरी पानी गिरा, अलग ही हो गया भाई, इतना ग्रीन और डार्क। ये मेरे हिसाब से वो है कंचनजंगा वाटरफॉल का रास्ता। यहाँ पे कंचनजंगा वाटरफॉल है ऊपर, कितना चलना पड़ता है? 2 मिनट। अच्छा तो यहाँ पे 2 मिनट, अच्छा थोड़ा ट्रैक तो दिख भी रहा है। हम लोग आ गए कंचनजंगा वाटरफॉल, और ये जो दिख रहा है मेरे पीछे ये नहीं एक्चुअल वाटरफॉल, एक्चुअल वाटरफॉल आगे है ये सीढ़ियाँ चढ़ के। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस ही कर रहे थे, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि कंचनजंगा वाटरफॉल जाएंगे, लेकिन रास्ते में दिख गया, एकदम रोड पर ही था तो आ गए यहाँ पर। 20 रुपीज पर पर्सन टिकट थी यहाँ पर, और अब मुझे दिख रहा है अपने सामने कंचनजंगा वाटरफॉल। तो ये है कंचनजंगा वाटरफॉल, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है एकदम से, यहाँ घुसते ही अंदर ठंडी लगने लगी, तो क्वाइट अ गुड फील। नहाने का मन कर रहा है, लेकिन वही है कुछ कपड़े नहीं लाए, टॉवल नहीं लाए, सब सामान में रखा है। कोई बात नहीं यार, इस ट्रिप पे शायद नहीं लिखा है मेरा वाटरफॉल में नहाना, लेकिन भाई पानी गिर रहा है, पत्थरों को काटते मस्त लग रहा है लेकिन। और अभी सोचो सीजन नहीं है तब इतना पानी है, सीजन में कितना पानी होता होगा यहाँ पे। तो देख लिया कंचनजंगा वाटरफॉल भी, बढ़िया था। और यहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने बताया कि टूरिस्ट बहुत कम है, आज तो आया ही नहीं इतनी जल्दी, अभी 4-5 बजे ही बंद करके जा रहे थे लोग अपनी दुकानें। तो है वेस्ट सिक्किम में इतना ज़्यादा नहीं है अभी टूरिज़्म, लेकिन बोल रहे थे अभी थोड़ा ऑफ सीज़न भी है। युक्सोम ये, अच्छा ठीक, थैंक यू।
तो यहाँ पे लगा हुआ है कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ है, और वेलकम टू युक्सम विलेज। तो युक्सम में आ चुके हम लोग, और यहाँ से हमारा जो होटल है वो है लगभग 5-6 मिनट की दूरी पर। तो एकदम ये टॉप पर आ गए भाई हम लोग, और ये है वेस्ट सिक्किम इधर का लास्ट विलेज। बाय। बच्चे आगे बहुत सही है, जगह जगह पर बाय कर रहे, एक ने जय हिंद किया, सैल्यूट किया, छोटा सा बच्चा था एकदम। यहाँ चल रहा है फुटबॉल का मैच। ओ गोल। युक्सम। सो यहाँ से क्या क्या जगह है, बहुत सारी जगह है यार। माउंटेन तो यार ट्रैकिंग रूट है, ये ट्रैकिंग रूट है सारा। वो बोल तो रहे थे ट्रैकिंग बहुत है यहाँ पर। हाँ। लास्ट विलेज है। देखो कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 माउंटेन्स है, ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से। और ये लास्ट विलेज है ना, लास्ट विलेज इसीलिए है ना कि रोड खत्म हो जाती है। हाँ। इसके बाद जो रास्ते निकलते हैं वो ट्रैकिंग के रास्ते। तो टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, और आज की अपनी डेस्टिनेशन युक्सम विलेज में आ चुके हम लोग, यांग्री गैंग होटल में। और रूम दिखाता हूँ आपको हमारे कैसा रूम मिला है। सो दिस इज आवर रूम विद ट्विन बेड्स। यहाँ पे अपना एडिटिंग का काम चालू हो चुका है, एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम। तो सामने माउंटेन दिख रहा है जो कि पूरा ढक चुका है बादलों से। तो अच्छा स्टे मिल गया हमें यहाँ पे, यही ऑप्शंस हैं। तो रुकेंगे आज हम यहाँ पर, और कल एक्सप्लोर करेंगे युक्सम विलेज को। लेकिन अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना बाकी है, यहाँ पे आज का आधा दिन हमारा बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो। थोड़ा सा अभी वीडियो एडिट करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको। तो आज बहुत दिनों बाद अलग रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहे हैं, युक्सम में आके। चुप हो जा बेटे। तो हम लोग अपने होटल में रुके, हर दिन अपना डिनर होटल में ही करते थे, बट आज सोचा यार कुछ नई टेस्ट चाहिए, अलग चाहिए। तो यहाँ पर आए गुप्ता रेस्टोरेंट, आपको दिख रहा होगा बाहर से कहाँ बैठे हम लोग। तो अभी खाते अपना डिनर। चलो तो अब वापस आ गए अपना डिनर करके अपने होटल में, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बाइक्स बाहर खड़ी थी, बाइक्स अंदर कर दी। बाइक थोड़ी गीली भी हो गई थी, इसलिए अभी कर रहा हूँ बाइक की थोड़ी सी सफाई, क्योंकि जब से बाइक आई है तब से साफ नहीं हुई है। तो बाइक हो चुकी है साफ, चलते अपने रूम में, और इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। अब रूम में जाएंगे, थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि कल उठना है सुबह और एक्सप्लोर करना है युक्सम को। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।